हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका पूस गांव में फैक्ट्री में। गर्मियों का सीज़न आ चुका है और मार्केट में हर जगह हरी भरी कैरियाँ दिखने लगी है। तो ऐसे ही एक चटपटा कैरी का रायता, कुछ तीखा कुछ मीठा की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं ये कैरी का रायता कैसे बनाया जाता है। 250 ग्राम कच्चे आमों को 2 से 3 बार मैंने पानी से धो लिया है। फिर इन कच्चे आमों को हमें 1 कप पानी मिलाकर कुकर में 5 से 7 सीटियां आने तक पका लेना है। फिर आधे घंटे बाद ये आम जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इनकी स्किन और गुठलियां हमें अलग निकाल कर फेंक देनी है और कच्चे आम का पल्प अलग कर देना है। अगर आप इस रेसिपी का असली टेक्सचर चाहते हो तो इस पल्प को मिक्सी में बिल्कुल ना घुमाएं। इस पल्प में लम्स रहने बहुत ज़रूरी है। एक मिक्सिंग बाउल लेके इसमें हम ये पल्प ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे 1 कप पल्प निकला है तो हम 1 कप गुड़ इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे कैरी का पल्प 1 या 1.5 कप या 2 कप निकले तो उस हिसाब से आपको गुड़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लेनी है। अभी गुड़ को और पल्प को हमें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेना है। अब एक बर्तन में इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट, जब तक के गुड़ पिघल नहीं जाता, हमें इस मिक्सचर को पका लेना है। देखिए, जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा तो 5 मिनट के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा स्लरी दिखने लगेगा। अब हमें इसमें 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के करछी से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रखें, इन मसालों की गुठलियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए करछी अच्छे से घुमाएं और ये मसाले इस पल्प में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस रायते को हम तड़का देंगे। तो 1 टेबलस्पून ऑयल गर्म हो चुका है, हमने इसमें 1 टीस्पून राई डाल दी है, 1/2 टीस्पून जीरा हम इसमें डाल देंगे और 7 से 8 मेथी के दाने हमें इसमें डाल देने हैं। तड़का तैयार होने के बाद ये तड़का हम रायते पे डाल देंगे। याद रखें, इस पूरी प्रोसेस में हमें गैस की फ्लेम धीमी ही रखनी है। करछी से इस रायते को और इस तड़के को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट उबाल आने देना है। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और रायते को ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी और फिर आप ये रायता किसी भी कांच के जार में या कंटेनर में रख के, फ्रिज में रख के इसे 2 से 3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हो। तो तैयार है कच्चे आम का तीखा मीठा चटपटा रायता। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।